हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिस चीज़ का आप सभी को इंतजार था उस चीज़ की अपडेट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है, KGMU 1276 पदों पर जो भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए गए थे उसका अभी एग्ज़ाम है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। आप सभी को जैसा पता भी होगा कि KGMU 1276 की जो वैकेंसी है उसके एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट रेगुलरली वेट कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा। तो फाइन, जो उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी फिक्स नहीं की गई है। उसमें काफ़ी सारी जो समस्याएं आ रही हैं, प्रावधान है, उसको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। अब फिलहाल एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, ठीक है। आज की एक अपडेट देने वाला हूँ KGMU के अंदर जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस चीज़ का हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि एग्ज़ाम की डेट है वो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आप सभी को पता है सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम की डेट क्यों नहीं आ रही है और कब तक एग्ज़ाम की डेट आई, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को जरूर देख लेना, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो टाइम से हम आपके पास लाते रहेंगे। तो इसके अंदर देख लीजिए, जो सबसे पहले आपको यहाँ पर चीज़ है कि गड़बड़ी के बावजूद एजेंसी करवाएगी नर्सिंग भर्ती परीक्षा। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है, जो RML का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि इसमें RML का एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्ज़ाम है वो लीक हो गया था, और लीक होने की वजह से जो एजेंसी एग्ज़ाम करवाई थी उस एजेंसी पर एलिगेशन लगे थे, उंगलियां उठी थी, ठीक है। लेकिन अब क्या तैयारियां चल रही हैं कि KGMU की वैकेंसी भी वही एजेंसी करवाएगी जो एजेंसी RML की करवाई गई थी, और इस वजह से यानी कि नर्सिस जो संघ है, यानी कि नर्सिस संघ है उत्तर प्रदेश का, उसके खिलाफ हो चुका है और मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन है वो सौंप दिया गया है कि इस जो एजेंसी के द्वारा पहले ही पेपर लीक हो चुके हैं उस एजेंसी के द्वारा इसको ना करवाया जाए, इसके बजाय इसको अलग जो UPSC है यानी कि लोक सेवा आयोग है उसकी तरफ से इस वैकेंसी को करवाया जाए। तो ये इस चीज़ के बारे में यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि किस वजह से जो एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स नहीं हो पा रही है, ठीक है। देख लीजिए, गड़बड़ी के बावजूद भी एजेंसी करवाएगी नर्सिंग भर्ती, ठीक है। इसके अंदर आपको कंप्लीटली पढ़िए, KGMU प्रस्तावित नर्सिंग भर्ती परीक्षा एजेंसी के माध्यम से कराने के प्रस्ताव के खिलाफ, यानी कि जो KGMU की जो भर्ती परीक्षा वो एजेंसी के माध्यम से करवाई जाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की थी, लेकिन उसके खिलाफ जो राजकीय नर्सेज संघ के है उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया है, और उन्होंने कहा है कि नर्सेज संघ की ओर से सोमवार को इस मुद्दे पर बलरामपुर अस्पताल में प्रस्तवार्ता हुई, यानी कि एक क्या धरना प्रदर्शन टाइप का हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट जो राजकीय नर्सेज संघ है उनकी तरफ से, और उन्होंने क्या निर्णय लिया है वो चीज़ आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं, और आप भी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा ये चीज़ सही है या गलत है, यानी कि जो राजकीय नर्सेज संघ है उन्होंने अच्छा कदम उठाया है या नहीं उठाया है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजकर भर्ती परीक्षा लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने की मांग की, यानी कि एजेंसी से ना कराकर उन्होंने UPSC की तरफ से करवाने की मांग की गई कि जो भर्ती है उसको UPSC के द्वारा करवाया जाए, ना कि जो एजेंसी है उसके द्वारा करवाया जाए, ठीक है। इसमें देख लीजिए, अशोक कुमार ने कहा है कि KGMU की ओर से, यानी कि KGMU की जो भर्ती 2021 के अंदर जो भर्ती आई थी KGMU की, वो किसके द्वारा करवाई गई थी, लोक सेवा आयोग की तरफ से करवाई गई थी, और जो कि भर्ती पूरी भर्ती पारदर्शी थी, यानी कि पूरी भर्ती पारदर्शी थी, उसमें कोई भी छिपाव नहीं था। एक एक चीज़ आपको अपडेट बताई गई थी, एक एक कैंडिडेटों को एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया था, और इसके बावजूद भी, यानी कि इसके बावजूद भी गुजरात की एजेंसी के माध्यम से परीक्षा करने की तैयारी है, लेकिन फिर भी यानी कि UP जो PSC है, यानी कि लोक सेवा आयोग है, उसकी तरफ से बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, पारदर्शी तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी गुजरात की जो एजेंसी है उसके माध्यम से परीक्षा कराने की तैयारियाँ चल रही हैं, जो कि इसमें देख लीजिए, लोहिया संस्थान में हुई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी है, और संघ के महामंत्री अशोक कुमार ने हाल ही में लोहिया संस्थान में हुई भर्ती परीक्षा का ठेका गुजरात की एजेंसी कंपनी को दिया गया था, यानी कि जो लोहिया यानी कि RML की जो वैकेंसी हुई थी उस RML की वैकेंसी में वही एजेंसी एग्ज़ाम करवाई थी, जो कि उसमें बहुत ही गड़बड़ी थी, पेपर लीक हुआ था, और उसी एजेंसी KGMU तैयारी कर रही है, इसलिए इसके खिलाफ, ठीक है, जो राजकीय नर्सिस संघ है उन्होंने कदम उठाया है, और परीक्षा के दौरान काफ़ी लापरवाही देखने को मिली थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर KGMU की जो वैकेंसियां हैं वो भी इसी कंपनी के द्वारा करवाई जाए हैं, जिसमें एक बार फिर गड़बड़ी की यहाँ पर हमें आशंका दिख रही है, यानी कि उन्होंने कहा है कि हम कैसे मान लें कि जो KGMU की वैकेंसी है वो बिल्कुल पारदर्शी होगी या फिर बिल्कुल कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी भर्ती के अंदर, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि RML की भर्ती के अंदर बहुत गड़बड़ हुई थी, तो हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, कि हमें कोई भी ऐसा निसंदेह नहीं रहेंगे कि हमें जो KGMU की भर्ती के अंदर गड़बड़ी ना हो, क्योंकि हमें पूरी
आशंका है कि जिस प्रकार RML में हुई थी उसी प्रकार KGO में भी यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में इसके बाद 2021 में आयोग के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। अब KGO में प्रशासन आयोग के बजाय एजेंसी के माध्यम से प्रक्रिया आयोजित कराने जा रहा है, यानी कि इसके खिलाफ बिल्कुल उन्होंने कदम उठाया है कि जो आयोग है वो आयोग अपनी भर्ती जो KGO की वैकेंसी है उसको खुद भर्ती करवाए, ना कि किसी एजेंसी के द्वारा करवाया जाए। इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हैं जो एजेंसियाँ हैं, जो नर्सेज संघ हैं, उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया गया है कि ये चीज़ इस चीज़ के विरुद्ध हम बिल्कुल हैं और हम जो वैकेंसी है KGO की वो करवाना चाहते हैं। UPSC की तरफ से, लोक सेवा आयोग की तरफ से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन भी सौंप दिया है कि जो एजेंसी के माध्यम से KGO की भर्ती ना हो। ठीक है, इस वजह से एग्ज़ाम डेट है वो लेट हो रही है। तो जैसे ही ये निष्कर्ष निकल कर आता है एक या दो दिन में, तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर दें। जय हिंद, जय भारत।